उसके मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन तेज हो गया है। पहले तो छात्रों का प्रदर्शन था, लेकिन उसके साथ अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए हैं और पुलिस मुख्यालय के सामने बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों पे पुलिस की तरफ से। वो तस्वीरें हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं, करीब दोपहर के बाद से जैसे जैसे ये आंदोलन इंटेंसिफाई होना शुरू हुआ, तेज होना शुरू हुआ, वैसे वैसे पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई और सख्त होती चली गई। तो अभी क्या हालात है वहाँ कोलकाता की सड़कों पर, जरा एक बार पूजा मेहता के पास चलते हैं, हमारी संवाददाता हैं, और समझने की कोशिश करते हैं कि अभी कोलकाता की सड़कों पर इस संग्राम किस तरीके से चल रहा है। पूजा, बिल्कुल रंजीत जी, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। हमारी मौजूदगी फिलहाल कोलकाता पुलिस के मुख्यालय लाल बाजार के बाहर है और आपको यहाँ पर कई स्तरीय बैरिकेड आपको दिखेंगे, और ये इसलिए है क्योंकि बीजेपी के जो पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष है डॉक्टर सुकांत मजुमदार और अन्य जो बीजेपी नेता थे कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पहुंचे थे कोलकाता पुलिस के मुख्यालय, और उनकी एक ही मांग थी कि आज सुबह से जगह जगह जहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जो प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं को कोलकाता पुलिस गिरफ्तार किया है उन्हें निःशर्त जो है छोड़ना होगा, और उसी मांग के साथ यहाँ पर आए थे। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए किस तरह इस एंट्रेंस को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया था और वो घंटों तक यहाँ पर रुके, उन्होंने लाल बाजार का घेराव किया, पुलिस ने उन पर जो है आंसू गैस के गोले दागे, साथ ही कार्यकर्ताओं पर उन्होंने लाठियां भी बरसाई और पूरी भीड़ को जो है उन्होंने लाठीचार्ज कर यहाँ से डिस्पर्स किया। फिलहाल की तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि बीजेपी के कई ऐसे कार्यकर्ता है जो जख्मी भी हुए, लेकिन अब जो है यहाँ पर पुलिस जो है उन्होंने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ दिया है। बिल्कुल, तो पूजा आप नजर बनाए रखिए, और बंगाल की पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता में इस समय आंदोलन चल रहा है छात्रों का और बीजेपी जो विपक्ष का आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में हम आपको पल पल का अपडेट भी देते रहेंगे। लेकिन